कभी मैं शेर लिखता हूँ, कभी किस्सा बनाता हूँ, मैं नक्काशे जमा हूँ, वक्त का नक्शा बनाता हूँ, मेरी दीवानगी को शहर भर तस्लीम करता है, मैं अक्सर पानियों पर रात का चेहरा बनाता हूँ। वो मुझसे पूछते हैं क्या मेरी तर्ज तिजारत है, मैं नींद बेचता हूँ, रोज एक सपना बनाता हूँ। हिंदुस्तान में बहुत सारे शोरा इकराम है जिन्होंने मुख्तलिफ हवाले से अपनी इनफरादियत को कायम रखा है, मगर डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब ने हालात हादसा से कभी समझौता नहीं किया, हमेशा ईमान और रसूल पर यकीन रखा। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब ने हमेशा नसीहत की और आज बेशुमार लोग तालीम हासिल कर रहे हैं उनके नसीहत से। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा कलमकार हूँ, तालिब इल्म हूँ, मेरी झोली में वो कुछ नहीं है जो डॉक्टर साहब चाहते हैं, बस मैं सिर्फ एक लफ्ज रख रहा हूँ आपके सामने कि मैं मेरा नहीं बल्कि अपने वजूद को पेश करने जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग तालियों से स्वागत करें कि इसी मेहराब से एक रास्ता सदंग निकलेगा, सफर जब खत्म होगा हर मुसाफिर दंग निकलेगा, मुझे अपनी सी कोशिश में लगा रहने दो, फिर जे को मैं जिस पौधे को छू लूंगा वही कुछ रंग निकलेगा। एक इनकलाब का नाम है डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, एक तहरीक का नाम है और एक इल्म अदब की यूनिवर्सिटी के नाम है। मेरे नहीं बल्कि हमारे सरपरस्तों को आवाज देने जा रहा हूँ, इल्तिमास कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब माइक पर आए और अपनी नसीहत से हम तमाम लोगों को नवाजे। अहले मवायमा, अब आपकी जिम्मेदारी इस्तकबाल करते हुए पुरतपाक खैर मकदम होना चाहिए, डॉक्टर साहब माइक पर तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम हजरात, सदर आली वकार मऊमा की अहम तरीन शख्सियात सईद भाई मुंतजीम ने मुशायरा अजीज़ा माजम और ख़वातीनो हज़रात, मुशायरा बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है, जब शायरात आईं तो आपने दिल खोल के उनके साथ मोहब्बतों का सलूक किया, मिजाहिया शायरी आई तो आपने तंज़ो मिज़ा का लुत्फ़ लिया, लब और रुखसार की गुफ्तगु हुई तो आपने उसे कबूल किया, और बिरादर अजीज़ शहज़ादा कलीम ने जब आपको झिझोड़ने की और नसीहत आमेज़ नज़्म सुनाई तो आपने अपना दिल निकाल के उनको पेश किया। मुशायरा बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है, मैं सलाम करता हूँ आपको, इतनी शदीद सर्दी के बाद आप यहाँ मौजूद हैं, इससे बड़ी उर्दू की खुशकिस्मती नहीं हो सकती। जब तक आप लोग सलामत हैं इंशाल्लाह इस उर्दू ज़बान को, हमारी तहजीब को कोई नहीं मार सकता। मैं 10-15 मिनट आपके दरमियान रहना चाहता हूं, आप जैसे चाहेंगे मैं ऐसे आपके दरमियान रहूंगा, मुझे इजाज़त दे दीजिए जो मैं चंद शेर आपकी खिदमत पेश करूं। हाजी साहब अभी तशरीफ लाए थे, उन्होंने मेरी 30 साल पुरानी एक गज़ल याद दिलाई, अगर आपने साथ दिया तो मैं आपकी खिदमत कर सकूंगा। माइक तो बहुत अच्छा है, सभी के लिए अच्छा किया, और अच्छा कर दो तो इजाजत है आपकी। आप लोग एक शख्स है कलीम, वो सोनू निगम, तो सोनू निगम ने एक बार ये कहा था कि जो अजान होती है उससे उसे प्रॉब्लम होती है, हालांकि उनके घर से 3 किलोमीटर तक कोई मस्जिद नहीं थी। अभी एक फिल्म बनी है उसमें मेरे 4 गाने हैं, तो उसमें सोनू निगम ने भी गाना गाया, तो मैं दुबई में था, मैंने कहा यार तुमने क्या कहा था सोनू निगम, वो अजान लगे सर सॉरी मैं तो दुबई में हूँ और तारीफ कर रहा हूँ, गलती हो जाए करती, लेकिन मैंने सोनू निगम के लिए एक लफ्ज नहीं निकाला। अल्लाह ने मुझे दामन अता किया था तो मैंने अपने दामन में झाँका, सिर्फ शिकवे करते हैं हम लोग, अपना दामन भिगोते रहते हैं, अपना दामन भिगोते रहते हैं, हर घड़ी हम तो रोते रहते हैं, अपना दामन भिगोते रहते हैं, हर घड़ी हम तो रोते रहते हैं, जागता है कोई अजां सुनकर और हम हैं कि सोते रहते हैं, अपना दामन भिगोते रहते हैं, हर घड़ी हम तो रोते रहते हैं, जागता है कोई अजां सुनकर और हम हैं के सोते रहते हैं। और आगे बढ़ता मुलाहिज़ा फरमाए, जागता है कोई अजां सुनकर
और हम हैं के सोते रहते हैं, इश्क़े शाहे उम्म में खो जाए, तुख्म यादे नबी के हो जाए। अगर सच बोलूं तो आपकी मोहब्बत चाहता हूं। इश्क़े शाहे उम्म में खो जाए, तुख्म यादे नबी के बो जाएं, एक खुदा एक रसूल एक किताब, आइए हम भी एक हो जाएं। इश्क़े आदाब, इश्क़े यादे नबी में खो जाएं, इश्क़े शाहे उम्म में। शुक्रिया। मूड है दोस्तों आपका? देखिए दिल निकाल के रखूंगा। अरे नहीं, आपकी मोहब्बत है, मैं तो एक तालिबे इल्म हूं। जिक्रे शाहे उम्म में खो जाए, इश्क़े यादे, जिक्रे शाहे उम्म में खो जाए, तुख्म यादे नबी के बो जाए, एक खुदा एक रसूल एक किताब, आइए हम भी एक हो जाए। ऐसे ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको जो मेरा जख्म भर नहीं सकता। ऐसे सुनिएगा, ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको जो मेरा जख्म भर नहीं सकता। हो गए मुत्तहिद अगर हम लोग, खत्म कोई भी कर नहीं सकता। और दाद दीजिएगा तो और दिल लगेगा। ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको जो मेरा जख्म भर नहीं सकता। हो गए मुत्तहिद अगर हम लोग, खत्म कोई भी कर नहीं सकता। हम लोग सिर्फ दूसरे को बुरा कहते हैं, हालांकि दूसरे को बुरा कहने की गुंजाइश कम है। हमारे अंबिया पर जितने जुल्म हुए उससे एक हजारवां हिस्सा भी हमारे साथ नहीं हुआ और हम घबरा गए। आइए अपना मुहासबा करें। एक खुदा एक रसूल एक किताब, आइए हम भी एक हो जाए। जिस चमन के बहकते फूल हैं हम, आप मेरा दिल लगाएंगे तो मुझे खुशी होगी, शायद 20-25 साल के बाद आया। जिस चमन के महकते फूल हैं हम, उस चमन ही में क्यों फजूल हैं हम, जान दे देंगे अपनी अजमत पर, खाके पाए दरे रसूल हैं हम। जिस चमन के महकते फूल हैं हम, उस चमन ही में क्यों फजूल हैं हम, जान दे देंगे अपनी अजमत पर, खाके पाए दरे रसूल हैं हम। जिसके सदके में ये हयात मिली, उसके हम सच्चे उम्मती बन जाएं। मुलाहिज़ा फरमा, जिसके सदके में ये हयात मिली, उसके हम सच्चे उम्मती बन जाएं। देवबंदी बरेली से कबल, काश हम सब मोहम्मदी बन जाएं। और साथ दीजिएगा मेरा धर्म। जिसके सदके में ये हयात मिली, उसके हम सच्चे उम्मती बन जाएं। देवबंदी आदाब, देवबंदी बरेलवी से कबल, काश हम सब मोहम्मदी बन जाएं। क्या अल्लाह ने तहज्जुद का वक्त अता किया मुझे, समाअत फरमाएं। उसके हम सच्चे उम्मती बन जाएं। आए हाय, जिसने हमको ये जिंदगी दी है, सुनिएगा, साथ हमने उसी का छोड़ दिया। जिसने हमको ये जिंदगी दी है, साथ हमने उसी का छोड़ दिया। जब भी फिरौनियत बढ़ी है यहां, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। जिसने हमको ये जिंदगी, अभी तो मैं अपना भी और आपका भी मूड बना रहा हूं। जिसने हमको ये जिंदगी दी है, साथ हमने उसी का छोड़ दिया। जब भी फिरौनियत बढ़ी है यहां, और अपने उसका गुरूर तोड़ दिया। उसकी चश्मे करम जो हो जाए, आखिरी चार मिसरे, उसकी चश्मे करम जो हो जाए, मेरे दुश्मन मुफीद बन जाए। उसकी चश्मे करम जो हो जाए, मेरे दुश्मन मुफीद बन जाएं। ए खुदा मेरी कौम के बच्चे खालिद इब्ने वलीद बन जाएं। और बताइएगा अगर अच्छा लग रहा है तो। आदाब, उसकी चश्मे करम जो हो जाए, आदाब, मेरे दुश्मन मुफीद बन जाएं। ए खुदा मेरी कौम के बच्चे
खालिद इब्ने वलीद बन जाएं। देखिए मैंने किसी से शिकवा नहीं किया, मैं अपनी बात करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि आए हाय क्या गुनाहों से बच सकेंगे भला, कसमें जो सुबह शाम खाते हैं। चार मिसरों में दो हदीस। क्या गुनाहों से बच सकेंगे भला, कसमें जो सुबह शाम खाते हैं उनके चेहरों पे नूर नामुमकिन, वो जो रिस्क हराम खाते हैं। क्या गुनाहों से बच सकेंगे भला, कसमें जो सुबह शाम खाते हैं उनके चेहरों पे नूर नामुमकिन, वो जो रिस्क हराम खाते हैं। अब कलीम ने जो नज्म पढ़ी, मैं उस नज्म के मिजाज तक खुद को ला रहा हूँ जिससे ताज़ा गजल पेश करूँ। उनके चेहरों पे नूर नामुमकिन, वो जो रिस्क हराम खाते हैं। सुनिएगा, उसकी नस्बत का ताज रखते हैं। मूड बनाइएगा, मैं उसके बाद गजल पढ़ूँ। उसकी नस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। उसकी नस्बत का ताज रखते हैं, अदब हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। अब मूड है आपका, गजल सुनाओ जरा, सब लोग बता दीजिए। अच्छा जरा बताइए आप कितने मूड में हैं। जरा सी बात क्या कही, खफा से हो के रह गए। मूड है आपका, लग तो नहीं रहा है। जरा मर्दों की तरह तालियां बजा के, अरे वाह। जरा सी बात क्या कही, खफा से हो के रह गए। मुलाहिज़ा फरमाएं, जरा सी बात क्या कही, खफा से हो के रह गए, खफा से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। खुदा ने दूसरों को नगम दिया करने की भी पड़ दिया। अच्छा अच्छा, बच्चे ने हमारे मेरे चार मिसरे याद दिलाए। दूसरों को नगम दिया करना, आपने भी फरमाइश की थी मेरे। दूसरों को न गम दिया करना, प्यार दुश्मन से भी किया करना, घेर ले जब तुम्हें परेशानी, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करना। दूसरों को न गम दिया करना, प्यार दुश्मन से भी किया करना, घेर ले जब तुम्हें परेशानी, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करना। जरा सी बात क्या कही, खफा से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। ये हमारी कवित्री बेटी अनम। मैं, मुझे अच्छा लगा इसलिए कि जो बड़े शायर और बड़ी शायरा थी वो तो पढ़ के चली गई। जाहिर है बड़े लोग इस छोटों को थोड़ा ही सुनते हैं, लेकिन ये यहाँ बैठी हैं। हमारी तहजीब यही है दोस्तों, हमारी तहजीब यही। अब्बा ने मार मार के मुझे सिखाया, मेरी तरबियत की। शेर पेश करता हूँ मुलाहिज़ा फरमा। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। जो मेहनतों मशक्कतों से हल ना हो सके कभी। सुनिएगा, जो मेहनतों मशक्कतों से हल ना हो सके कभी, हल ना हो सके कभी। वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। वो सारे काम जो मेहनतों मशक्कतों से हल ना हो सके कभी, हल ना हो सके कभी। वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की। मुलाहिज़ा फरमाइए, जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, हमारे इत्तेहाद की। अलग अलग हुए तो हम जरा से हो के रह गए। अलग अलग हुए तो हम जरा से हो के रह गए।
खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से होके रह गए। इस लम्हा एक लफ्ज भी बोलने की गुंजाइश नहीं, मैं ये गुस्ताखी नहीं करूंगा, बस शेर सुनाऊंगा आपको। तुम्हारे पास सुने तुम्हारे पास जब से आ गया निजाम में कदा मलाई तो फरमाए तुम्हारे पास जब से आ गया निजाम में कदा निजाम में कदा जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे हो के रह गए जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे हो के रह गए खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से। तो मैं कह रहा था कि ये लाइव आता है और फिर यूट्यूब पर आ जाते हैं तो पुराने हो जाते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी गजल सुनाना चाहता हूं जो शायद इसी वक्त के लिए। अब आप उसे सुनेंगे तो मेरा खुश हो जाएगा, मेरा दिल खुश हो जाएगा कि मैंने सही गजल का इंतखाब किया। मुलाहिज़ा फरमाएं, आपने फरमाइश की है तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन पहले मैं ये गजल सुना दूं जो शायद अभी कहीं नहीं सुनी और शायद ये पहली बार आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिस कदर पुख्ता तेरा ईमान होता जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, मैं तो अपनी खिदमत कर रहा हूं। जिस कदर पुख्ता तेरा ईमान होता जाएगा तेरा हर एक मरहला आसान होता जाएगा तेरा। मैंने अर्ज किया था ना तहज्जुद का वक्त अल्लाह ने अता किया। जिस कदर पुख्ता तेरा ईमान होता जाएगा तेरा हर एक मरहला आसान होता जाएगा। क्या शेर अल्लाह ने अता कर दिया मुझे, मैं तो शेर कहना नहीं जानता, अल्लाह ने अता कर दिया। अपने रब से मांग, सुनिए भैया, अपने रब से मांग और लोगों में उसको बांट दे। अपने रब से मांग और लोगों में उसको बांट दे। इस फकीरी में ही तू सुल्तान होता जाएगा। आदा बोश। अपने रब से मांग और लोगों में उसको बांट दे। इस फकीरी में ही तू सुल्तान होता जाएगा। हजरत अगर इल्म से इंसान बड़ा बनता तो शैतान से ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं थी, लेकिन वो रांधा दरगाह हो गया। मालूम ये हुआ कि एजुकेशन मिस पॉजिटिविटी, इल्म मस्बत सोच के साथ अगर हो तो अंबिया बनते हैं और मनफी सोच के साथ हो तो शैतान बनता है, सलमान रुश्दी बनता है, रिजवी बनता है या तस्लीमा नसरीन बनती है। अब आपका काम है कि आप उसको किस नियत से हासिल करें। तेरा हर एक मरहला आसान होता जाएगा इल्म पर अपने वो पागल नाज करता है बहुत। नाजिम कहाँ गायब हो गए? नहीं 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 इनके आगे नहीं, बस कह रहे वो तो मैं वैसे ही पूछ रहा था। असल में मुझे ये खतरा हुआ कि नाजिम भी गायब और कन्वीनर भी गायब, तो अल्लाह हमारे लिए बेहतर फैसला फरमाए, इसलिए वो सजा। खैर, संजीदा पता। से मांग और लोगों में उसको बांट दे। इस फकीरी में तू
सुल्तान होता जाएगा इल्म पर, अपने वो पागल नाज करता है बहुत। मुलाहिज़ा फरमा, इल्म पर अपने वो पागल नाज करता है बहुत। अब अगर हद से बड़ा शैतान होता जाएगा, आदा आदा, इतनी सर्दी में 7 घंटे से आप बैठे, इतनी दाद, मैं सलाम करता हूँ आपको, बहुत शुक्रिया। मेरी दाद यही है कि आप दुआओं से नवाज रहे। इल्म पर अपने वो पागल नाज करता है बहुत। आदा, अब अगर हद से बड़ा शैतान होता जाएगा, अब अगर हद से बड़ा शैतान होता जाएगा। हम लोग सुनिए भाई, अपने बच्चों को, हमारे भी बच्चे हैं जामिया से, मेरे ताल्लुक के बच्चे जामिया में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने उनको पहले दिन समझाया था कि बेटे ये जामिया यूनिवर्सिटी है, यहाँ से अच्छे बच्चे भी निकलते हैं और अपनी जिंदगियां बर्बाद करके भी निकलते हैं। आपको फैसला करना है कि आपको क्या बनना है, क्या बन के निकलना है, क्योंकि आप आज की औलाद के पास हम डंडा लेके नहीं फिर सकते। मुलाहिज़ा फरमाए, प्यार कर, एक अच्छा सा शेर नजर करता हूं, प्यार कर लेकिन ये बेजा नाज बर्दारी न कर। मुलाहिज़ा फरमाए, प्यार कर लेकिन ये बेजा नाज बर्दारी न कर, वरना बेटा और नाफरमान होता जाएगा, वरना बेटा और नाफरमान होता जाएगा। ये गजल मैंने कहीं नहीं पढ़ी, पहली बार आपके लिए पढ़ रहा हूं। एक आध फोटो इसी नाम पे मेरे खींच लेना। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, जरा बताइए, मूड बना दीजिए मेरा। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले हैं, गलियों गलियों, बहुत शुक्रिया। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले हैं, जुल्म के काले बादल से डरना कैसा, जुल्म के काले बादल से डरना कैसा, ये मौसम तो आने जाने वाले हैं, ये मौसम तो आने जाने वाले हैं। आज हम बात कर रहे थे एक बड़े बुजुर्ग की निस्बत से, इस शहर का पहले नाम रखा गया, उसके बाद इसका नाम अइमा हुआ, अइमा यानी इमाम की जमा, अइमा। हमको उन वलियों की निस्बत हासिल है, तमाम मुंतजमीन और कन्वीनर साहिबान आपकी नजर करता हूं, ये शेर अहले शहर की नजर। हमको उन वलियों की निस्बत हासिल है, दश्त को जो गुलजार बनाने वाले, दश्त को जो गुलजार बनाने वाले हैं, दश्त को जो गुलजार बनाने वाले, जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर। मुलाहिज़ा फरमाए, आइए नहीं तशरीफ लाइए, बहुत शुक्रिया। भाभी चेयरमैन इस मुआयमा के, बहुत उमदा आपने पढ़ा, मैं अभी अभी आया हूँ 4 बजे, सबसे पहले बहुत खुशी की बात है, इतना बड़ा मुशायरा हुआ, मैं मौके पे नहीं रहा। कोई बात नहीं, अल्लाह अल्लाह अगली बार तौफीक देगा, आप खुद मुशायरे का ऐलान कर दीजिए कब कराएंगे इंशाल्लाह।
हमको उन वलियों की निस्बत हासिल है। मुलाहिज़ा फरमाइए, दश्त को जो गुलजार बनाने वाले हैं, जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर। मुलाहिज़ा फरमाइए, एक एक शेर में इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि अपनी तारीख आपके दरमियान रख सकूं। जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, वो खुद जौ की रोटी खाने वाले हैं, वो खुद जौ की रोटी खाने। जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, वो खुद जौ की रोटी खाने वाले। मौइमा और अतराफ के इन ज़हीनों की खिदमत में एक सवाल करके जा रहा हूं। मुलाहिज़ा फरमाएं, जान बचाने वाले तो सब हैं लेकिन जान बचाने वाले तो सब हैं लेकिन अब कितने ईमान बचाने वाले हैं, अब कितने अदा। जान बचाने वाले तो सब हैं लेकिन अब कितने ईमान बचाने वाले। आखिरी शेर इस गजल का, तुम ले जाओ नेजा खंजर और तलवार। सुनिएगा मौत, तुम ले जाओ नेजा खंजर और तलवार, हम मक्तल में सर ले जाने वाले हैं। आदा आदा, तुम ले जाओ नेजा खंजर और तलवार, हम मक्तल में सर ले जाने वाले हैं। इस गजल का मक्ता, मेरी जिंदगी आपकी जिंदगी, उन्हीं का सदका है, पेश करता हूं। भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, समाप्त फरमाए, भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, माजिद हम भी उसी घराने वाले हैं। भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, माजिद हम भी उसी घराने वाले। अब तो बता दीजिए गजल कैसी लगी, सब लोग बता दीजिए। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सब बता दीजिए अगर आप सुनना चाहते हैं तो, सब लोग बताइए। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। आइए चलिए, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में बहुत हर लफ्ज, आमीन, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। अब आपका शेर, आपका शहर, आपका शायर, आपकी नज़्म। पूरी दुनिया में मैं मुशायरों के सिलसिले में गया हूं, लेकिन अगर मैं कहीं नहीं गया तो ये शेर मुझसे पहले पहुंचा। समाप्त फरमाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। मुलाहिज़ा फरमाए, अल्लाह मेरे कहां चले गए थे? हाँ मैं याद कर रहा था, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद आपका, बहुत खूबसूरत मुशायरा। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, दो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, दो रोज
अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जा, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, दो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, हर दर पे झुके सर मेरी शान नहीं है। चार महीने बाद रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है। एक शेर पेश करता हूं, फाके में और रोजे में फर्क बताने की कोशिश की है। हाजी साहब समाज फरमाए, अल्लाह करे मैं कामयाब हूं फर्क बताने में। अल्लाह के काम की तामील है लोगो, अल्लाह के काम की तामील है लोगो, ये फाका कशी मकसद रमजान नहीं है, ये फाका कशी मकसद रमजान नहीं है, हर दर पे झुके सर मेरी शान नहीं है। जब मैं माइक पर आया तो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मायूसी कुफ्र है हमारे मजहब में। इसी हवाले से ये आखिरी शेर आपके पेशानियों पर लिख कर जाता हूं, अल्लाह करे आपको याद रहे। लेकिन आप इस शेर के बाद मुझे मोहब्बतों से रुखसत कीजिएगा। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, मलाइका फरमाए, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। इनायत हो तमाम लोगों की मोहब्बत और इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत। अच्छा शुक्रिया भाई, एक फोटो खींच लो यार, घर दिखा देंगे जाके। अरे हमने तो बनाए हैं समंदर, अकेले खींचना जब ये लोग चले जाए। हमने तो अच्छा सा शेर फिर सुनिए, मैं हाजिर हूँ जाने रहा। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, हर दर पे झुके सर मेरी शान नहीं है। अल्लाह ने डॉक्टर साहब इधर से फरमाइश हो रही है कि जो आपको दिया गया है थोड़ी सी चंद आशा। मैं पढ़ता हूँ जी, एक शेर और पढ़ लूँ उसके जी जी जी। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं लेकिन, मुलाहिज़ा फरमाए, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं लेकिन, तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है, तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है, हर दर पे झुके सर मेरी शान नहीं है। तालियां बजा के बता दीजिए, ये हमारे मुतबर्रिक नूरानी लोग मौजूद हैं, आप सब मौजूद हैं। एक नात के लिए उन्होंने हुक्म दिया जो मैंने अजीम तरीन शख्सियत आलम इस्लाम की हजरत मौलाना राबे हसन दामत बरकातुहुम की खिदमत में कुछ अशार पेश किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों ने सुना। आप अगर हुक्म कर रहे हैं तो वो नात के अशार है, मैं चंद शेर पेश कर देता हूँ। नात से मुशारे का आगाज नात करिए। हाँ माशाल्लाह नदवी हैं आप तो, आलिम भी हैं और नदवी के आलिम आलिम भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आलम भी हैं। जी जी, क्योंकि हश्र में जब हम सब उठाए जाएंगे तो कुछ लोगों का कद एक बालिश ऊंचा होगा, फरिश्ते पूछेंगे अल्लाह से कौन है,
अल्लाह ताला फरमाएगा ये इमाम है, ये मौज़िन है, ये मुफस्सिर हैं, ये मुहद्दिस हैं और ये उलमा हैं, इतने अजीम लोग हैं। लेकिन नात को आप ऐसे सुने सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद हों, इंशाअल्लाह ताला एक एक लम्हा कबूल होगा जी इंशाअल्लाह। पेश करता हूँ नात के कुछ शेर, कई नातें थी, कौन सी नात के तीन शेर पढ़ो? आदाब आदाब नहीं, वही पढ़ूंगा जो हजरत के सामने पढ़ी। मुलायदा फरमा पेश करता हूँ। सीधा बोलता हाँ याद आ गया। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। मुलायदा फरमाए अश्कों से दामन को भिगोना अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। अब सब लोग सुभान अल्लाह कहिए, एक बार सुभान अल्लाह कहते हैं तो 70 नेकियां आती जी जी। अश्कों से दामन को भिगोना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। सुनिएगा, अश्कों से दामन को भिगोना अच्छा लगता है, याद नबी में टूट के रोना अच्छा लगता है। याद नबी में टूट के रोना अच्छा लगता है, अश्कों से दामन को भिगोना अच्छा लगता है। क्या कहने डॉक्टर साहब, सारे जहां पर जिसकी हुकूमत उसका ये आलम। आहा सुभान अल्लाह। मुलायदा पर सारे जहां पर जिसकी हुकूमत उसका ये आलम, हाथ का तकिया खाक बिछोना अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। हाथ का तकिया, जाहिद साहब आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। पूरी रात इन्होंने तमाम शायरों को बहुत दाद दी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके इस जज्बे को सलामत रखे, और इस तहज्जुद के वक्त में अल्लाह आपसे काम ले ले, इन नौजवानों से अल्लाह काम ले ले, आमीन कहिए। छोटी उम्र में माशाल्लाह मोच बहुत बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मोच तो बहुत से खराब लोगों की भी बड़ी होती है, लेकिन मैं इनके लिए दुआए खैर कर रहा हूँ आप भी की। नात नात का माहौल है, संजीदा बनाइए। सारे जहाँ पर जिसकी हुकूमत उसका ये आलम, हाथ का तकिया खाक बिछोना अच्छा लगता है, याद नबी में टूट के रोना अच्छा लगता है। मलाइजा फरमा लोमिया लीजिएगा, याद नबी में नहीं, वही खींचेंगे, वो एक्सपर्ट है। याद नबी में टूट के रोना अच्छा लगता है। भाई शेर सुन लीजिए, अल्लाह ने क्या शेर अता कर दिया। दो वाक्य पेश करता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जब दाई हलमे की गोद में होते थे तो आप खेलते थे, तो जब आप खेलते थे तो चांद आपके इशारों के साथ खिलौना बना होता था। इसी तरह ये कई बुखारी शरीफ में भी मौजूद है। पेश करता हूं। अच्छा ये माइक, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माइक की पूरी जिम्मेदारी इनकी थी। नाम बता दीजिए। राजू साहब। अरे वाह राजू साहब, बहुत अच्छा। माइक जैसा भी था बहुत ही अच्छा था जी। सारे जहां पर आए हाय जिसकी हुकूमत उसका ये आलम, हाथ का तकिया खाक बिछोना अच्छा लगता है। भाई दुआ चाहता, दुआ चाहता हूँ। नन्हे हाथ, क्या बात है, नन्हे हाथ जिधर भी उठे चांद उधर झुक जाए। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नन्हे हाथ जिधर भी उठे चांद उधर झुक जाए, द
दाई हलीमा को ये खिलौना अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।